अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर मास्टर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह आप एक सेव्ड वीडियो को MP3 में कन्वर्ट करें विद द हेल्प ऑफ VLC मीडिया प्लेयर। ये VLC मीडिया प्लेयर, इसको डाउनलोड करने का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अभी मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं यहाँ इधर कोने पे मीडिया पे क्लिक करूँगा और यहाँ से कन्वर्ट एंड सेव पे क्लिक करके ऐड पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ से मैं अपनी वीडियो जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ, जिसको मैंने MP3 में कन्वर्ट कर लिया, और मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और मैं कन्वर्ट एंड सेव पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैंने इधर क्लिक करना है और यहाँ से मैं इधर नीचे जाके MP3 पे क्लिक कर लेता हूँ, ऑडियो MP3 पे। अब यहाँ से जो है मैं अपनी वीडियो को ब्राउज कर लेता हूँ, जहाँ पे मैंने अपनी वीडियो को जो है सेव कर लेना है। मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ और यहाँ पे अपनी फाइल का जो है नाम लिख लेता हूँ ऑडियो, और एंटर करके स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ से ये जो मेरी सेव हो रही है। अभी आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि VLC में जब आप कोई भी लंबी वीडियो है उसको जब सेव कर रहे होंगे, तो जब आप इसको स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे तो आपके जो है वीडियो स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। जब ये पूरी यहाँ से फिनिश हो जाएगी, तब तक आपने क्लोज़ नहीं करना अपने VLC को। अगर आप क्लोज़ कर देंगे तो जहाँ तक ये पहुँची होगी वहीं तक ऑडियो आपकी जो है सेव होगी। तो आपने इस बात का जो है ख्याल रखना है। अभी मैं आपको अपनी ऑडियो जो है चला के दिखा देता हूँ। ये देखें, ये जो मेरी ऑडियो है ये सेव हो चुकी है। अब आप आराम से VLC के अंदर जो है कोई भी वीडियो को ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।